हाँ जी बाबा कहते हैं आत्मा में 84 जन्मों का पाठ भरा है, इसलिए ये सबसे विचित्र है। सबसे विचित्र है ना आत्मा को रिकॉर्ड, विचित्र रिकॉर्ड है। हाँ जी मैंने आत्मा में तो साकार पार्ट भरा है, मैंने 84 जन्मों पार्ट चलाता है आत्मा, इसलिए उसमें मैं भरा है। शिव निराकार तो पार्टी नहीं बजाते ना है? शिव निराकार तो 84 कुछ पार्टी नहीं बजाते। कोई आत्मा एक जन्म भी तो लेती है? नहीं, एक जन्म लेते हैं तो वो भी एक जन्म का पार्ट है उनका। नहीं, फिर भी उसमें पूरा 84 जन्मों का 500-700 करोड़ आत्मों का ज्ञान भरा है ना। तो एक आत्मा में तो आत्मा से भी अद्भुत हो गया। सुप्रीम सोल में एक जन्म का रिकॉर्ड भरा हुआ है और 84 जन्मों का भी रिकॉर्ड तब क्लियर करते हैं जब 84 के पूरे चक्र में आने वाले में प्रवेश करते हैं। तब उनको भी अनुभव होता है। इसलिए बताते हैं ज्ञान मैं सुनाता हूँ क्योंकि मैं जन्म मरण के चक्र में नहीं आता हूँ, और दुनियावी बातें ये सुनाते हैं। बताते हैं कि आत्मा से भी परमात्मा के अंदर जो ज्ञान है वो अद्भुत हो गया। हाँ जी ठीक है। मुरली में बाबा ये भी कहा है कि परमात्मा में अद्भुत है, आत्मा में अद्भुत कहा गया। हर आत्मा में अलग अलग पार्ट भरा हुआ है, ये विचित्र बात है। लेकिन परमात्मा में सारी ही विचित्रता है। और एक जन्म में ही सारी विचित्र बातें आकर के बताते हैं। बाबा 1961 तो 2012 तक चार युवाओं का शूटिंग संगम होने के बाद मई 2010 अक्टूबर में ध्यान में आया है। 1960-61 तो 2005 तक चार युगों का शूटिंग होने के बाद, शूटिंग पीरियड होने के बाद 61 तक 2005 तक। नहीं बाबा वो भाई कहने का है। हाँ पूरा 2004 तक कलयुग का शूटिंग भी हो गया। हाँ बाद में ये भाई 2010 में ज्ञान में आए। हाँ तो इसलिए हमको क्या लास्ट टाइम शूटिंग पीरियड होने के बाद ज्ञान में आया। आप जब आए हैं तो दूसरा जन्म लेकर आए हैं या ब्राह्मण का पहला जन्म लिया? बात खत्म हो गई। बाबा सच्ची के देवता आस्तिक या नास्तिक कहते हैं क्योंकि उसको परमात्मा का ज्ञान नहीं है ना। ठीक है, परमात्मा का ज्ञान भले नहीं है लेकिन आत्मिक स्वरूप में स्थित होने के कारण जैसे कि परमात्मा स्वरूप में टिके हुए हैं। आत्मा से परमात्मा जैसे कि दूर नहीं होता है, जैसे आत्मा निसंकल्प स्टेज में रहती है परमात्मा बाप भी परमधाम में निसंकल्प स्टेज में रहते हैं। आत्माओं का हिसाब किताब है आत्माओं के साथ, परमात्मा बाप का आत्माओं के साथ सुख दुख का कोई हिसाब किताब नहीं। इसलिए वो परमधाम में रहते हैं और आत्मा एक सुख दुख का पार्ट बजाने के लिए सतयुग और कलयुग में आती है। और बाबा जैसा बाबा कहते हैं ना समय अनुसार मैं बताता, जो ज्ञान जो है समय अनुसार बताता,
ऐसे ही जब शिव निराकार ने साकार में प्रवेश होकर के एक जन्म में 500-700 करोड़ आत्मा के सामने आएगा तब आएगा, यानी 500-700 करोड़ आत्मा बाबा के सामने आएगा ना एक जन्म में। सन्मुख कहाँ आएंगे? सन्मुख तो तुम बच्चे आते हो, 500-700 करोड़ आत्माएं थोड़ी सन्मुख आती है। लिंक में तो कनेक्शन में तो आएगा ना किसी तरह। अजी जानकारी होगी उनको भी, परमात्मा बाप की जानकारी होगी तब उनको कनेक्शन में आएगा, तब वो सबका ज्ञान समझा सकते हैं। ठीक है, कोई अखबारों के द्वारा कनेक्शन में आएंगे, कोई टीवी से कनेक्शन में आएंगे, कोई इंटरनेट से कनेक्शन में आएंगे, कोई टेप रिकॉर्डर से ही सुनेंगे, कनेक्शन में तो जरूर आएंगे। बाबा मुरली में बोलते है एक कुमारी सौ ब्राह्मण के उत्तम है, तो एक कुमार कितने ब्राह्मण को उत्तम है? अगर कुमार है, वास्तविक जीवन में, तो एक कुमार के साथ सात शीतलाएं रखी जाती है, माना एक कुमार के लिए वरदान मिला हुआ है। अगर वास्तविक जीवन में कुमार है कि कुमार जो चाहे सो कर सकते हैं, नई दुनिया की स्थापना के निमित्त भी बन सकते हैं, और सारी 700-800 करोड़ की दुनिया को विनाश कराने के भी निमित्त बन सकते हैं। कुमारियों के लिए नहीं कहा कि कुमारियां सात शीतलाएं जो चाहे सो कर सकती हैं। इससे साबित होता है कि एक कुमार सात शीतलाओं के बराबर है, परंतु कुमार होना चाहिए, बाहर की दुनिया में रहते हुए भी कुमार की स्टेज रहे। बाबा भट्टी करने के बाद फर्स्ट टाइम बाबा से दृष्टि लेने का महत्व क्या है? सन्मुख मिलन का महत्व क्या है? और जो सन्मुख नहीं मिल पाते उनका महत्व क्या है? तो दृष्टि लेने का भी महत्व मालूम हो जाता है, क्योंकि दृष्टि से ही सृष्टि सुधरती है। मानवीय दृष्टि से सृष्टि नहीं सुधरती है, मनुष्यों का मन विकारी है, चंचल है, तो वाइब्रेशन भी चंचलता के तैयार होते हैं, वृत्ति चंचल हो जाती है, दृष्टि भी चंचल हो जाती है। परमपिता परमात्मा उनकी चंचल दृष्टि नहीं कही जा सकती। दृष्टि में स्थायित्व रहता है, ये भारी अंतर हो जाता है, इसलिए कहा जाता है दृष्टि से सृष्टि सुधरती है, क्योंकि आंखें ही सबसे जास्ती धोखा देने वाली भी हैं। तो आंखों से जो दृष्टि मिलती है वो धोखेबाज भी हो सकती है और धोखे से बचाने वाली भी हो सकती है। और बाबा कोई एडवांस वाले ने बाबा का साकार पार्ट को नहीं बताने का बात बोलते है, मेरे पास बहुत बुढ़े है, मैं मोटा बुद्ध लाना है, एडवांस वाले करने तो उनको एडवांस वाले क्यों कहेंगे? एडवांस वाला तो है ही वो जो बाप को जानता है।
संदेश प्रैक्टिकल में आए हुए बाप को नहीं जानता, नहीं पहचानता, तो एडवांस में कहाँ हुआ? साकारी पाठ का संदेश नहीं देता, वो जानता ही नहीं तो साकारी पाठ का संदेश कैसे देगा दूसरों को? अब कोर्स लेने के बाद पट्टी करने को कितना दिन होना चाहिए? कोर्स लेने के बाद पट्टी करने को कितने दिन होना चाहिए? तो जिज्ञासु देखा जाता है, कोई तीखा जिज्ञासु है, दो चार रोज में ही पूरा कोर्स समझ लेता है, उसको बाबा की कशिश हो जाती है, वो बाबा से मिले बगैर रह नहीं सकता है, एक एक बात की गहराई को समझने लग पड़ता है, सिर्फ खुद ही नहीं समझता औरों को भी समझाने लग पड़ता है, तो उसको बांध करके थोड़ा ही रखना है कि दो महीने पहले क्लास ही करो, जल्दी भी भट्टी में ले जाया जा सकता है। बाबा महोत्सव में अव्यक्त मिलन के समय मिनिस्टर से एक्टर्स पॉलिटिशियंस वीएपी को स्टेज में अलाउ करते हैं, ये करेक्ट या रॉन्ग है? अलाउ करते हैं नहीं, अलाउ करते हैं। हाँ ठीक है, वो ठीक है या गलत है? वो कोई कोर्स लेकर के आते हैं क्या? नहीं। फिर वो वीएपी वो स्टेज में अलाउ करते हैं तो अधूरी स्टेज में फॉलो करेंगे, अधूरी पढ़ाई पढ़ेंगे और उनको क्लास में पास कर दिया जाएगा, आगे चढ़ाते रहेंगे तो सत्यानाश करेंगे या सत्य की दुनिया बनाएंगे? उसका पाप बनाने वालों के ऊपर भी आ जाता है। और बाबा पूजा दादी के शरीर में ब्रह्मा सूक्ष्म शरीर प्रवेश करने के बाद बारीपन होता है पूजा दादी को? हाँ जी। ऐसे रामवाली आत्मा में ब्रह्मा का स्वर प्रवेश करते है, रामवाली आत्मा को बारीपन नहीं होता? ब्रह्मा बाबा में सुप्रीम सोल प्रवेश करता था तो उनको भारीपन महसूस होता था, इसलिए भारीपन नहीं महसूस होता था, क्योंकि शिव सदैव निराकार है, न वो आकारी है न वो साकारी बनता है, इसलिए ब्रह्मा को कोई भी बोझ अनुभव नहीं होता था और वो ही ब्रह्मा की सोल स्थूल शरीर त्यागने के बाद सूक्ष्म शरीर धारण करती है, लेकिन सवाल ये है कि सूक्ष्म शरीर धारण करने से पहले 18 जनवरी सन 69 तक वो आत्मा अपने को बिंदु समझने का पुरुषार्थ करती थी या नहीं करती थी? बीज समझने का पुरुषार्थ करती थी, परंतु माता का रोल होने के कारण उनके चेहरे मोहरे में उनके फोटोज में कहीं भी निराकारी स्टेज नहीं आती है, वही आत्मा स्थूल शरीर त्यागने के बाद जब निराकारी बीज रूप स्टेज में प्रवेश करती है, सृष्टि का मनुष्य सृष्टि का कोई निराकार बीज भी है तो साकार बीज भी है, निराकार बीज है शिव और साकार बीज है राम, राम वाली आत्मा को
बीज रूप स्टेज में टिकने में एक सेकंड लगता है। इसमें ब्रह्मा की सोल प्रवेश करे तो संग का रंग लगेगा या नहीं लगेगा? है, लग जाता है। तो ब्रह्मा की सोल भी बीज रूप स्टेज में एकाग्र हो जाती है। जो ब्रह्मा साकारी जीवन में सारा जीवन पुरुषार्थ करने के बावजूद भी निराकारी चेहरे वाला नहीं बन सका, जैसे कि इब्राहिम, बुद्ध, क्राइस्ट, गुरु नानक को दिखाया है, ऐसा एक भी फोटो उनका निराकारी स्टेज का नहीं है। वही ब्रह्मा की सोल प्रैक्टिकल में साकार के संगम के रंग में आकर के, जो साकार को बीज रूप स्टेज में टिकने में एक सेकंड लगता है, वो आत्मा पर भी अक्षुण्ण प्रभाव पड़ जाता है और वो भी निराकारी स्टेज में टिक जाती है। सूक्ष्म शरीर जैसे कि भूल जाता है, स्थूल शरीर तो पहले ही छूट गया, तो जैसे गुलजार दादी में सूक्ष्म शरीर का दबाव पड़ता है, ऐसे राम वाली आत्मा में दबाव पड़ता होगा कि वो दूसरों का भी दबाव उड़ाने वाली निमित्त बन जाती है। वो भी निमित्त बन जाती है। ये राज उन्दा हुआ है। और प्रवेश होने के बाद तो वो निराकारी बनता है। कौन? ब्रह्मा। ब्रह्मा क्या? किसमें प्रवेश होने के बाद? जिनके अंदर प्रवेश करने के पहले गुलजार दादी में प्रवेश होने के बाद निराकार का कहाँ बनता है? राम वाली आत्मा में प्रवेश करता है तब निराकार बनता है। इससे पहले प्रवेश करने के बाद वो संकर पाता है। प्रवेश संगम के रंग में आने के लिए नजदीक आना पड़े तो नजदीक आएगा तो संकर रंग लगेगा। प्रवेश करने के बाद या प्रवेश करने के लिए नजदीक आना पड़े कि नहीं? तो वाइब्रेशन के वृत्ताकार के अंदर आएगा या बाहर रहेगा? तो शंकर रंग लगेगा। छोटी माँ में ओम राजे मम्मा का सोल प्रवेश करता है, ये तो छोटी माँ को भारीपन होता है। क्यों भारीपन होगा? छोटी माँ तो बताने वाली है, सारे ब्राह्मण परिवार को मनन चिंतन मंथन करके बताती है कि जैसे आत्माएं बिंदु हैं तो आत्माओं का बाप भी बिंदु होगा। मम्मा तो मनन चिंतन मंथन करने वाली थी, बाबा का तो मंथन चलता ही नहीं था। जगदम्बा में प्रवेश करता है ना? हाँ जी, मम्मा का सोल जगदम्बा में प्रवेश करता है। ब्रह्मा का सोल जगदम्बा में प्रवेश करता है तो जगदम्बा को भारीपन होता है। क्यों भारीपन होगा? वो बीज रूप आत्मा नहीं है, रुद्रमाला का मणका नहीं है। जगदम्बा रुद्रमाला का आखिरी मणका है या नहीं है? तो बीज रूप स्टेज वाला है या साकारी स्टेज वाला है? वो बीज रूप स्टेज वाला है। बाबा अमृत वेड़े में 2 से 5 बजे तक दृष्टि याद मुरली सुनने के बाद बहुत नींद आता है। 5 बजे के बाद याद में नींद करने तो परवाह नहीं। 5 बजे के बाद क्लास नहीं करना है? अमृत वेला का पुरुषार्थ तो किया, उसके बाद जो संगठित क्लास होता है उस क्लास में संगठित वाइब्रेशन होती है ब्राह्मणों के, उन ब्राह्मणों के वाइब्रेशन के बीच में बैठ करके क्लास करना छोड़ देना है क्या? वो भी तो करना जरूरी है। और
तब हम ब्रह्मा का काला यश को आठ फेर होता है, ब्रह्मा का काला यश को आठ फेर होता है। अरे जो जिसको याद करेंगे उनके संग का रंग उनको लगेगा या नहीं लगेगा? है? लगेगा। तो ब्रह्मा का आठ कमजोर हो गया, देहधारी बच्चों से लगाव लगाते लगाते, तो ब्रह्मा से जो लगाव लगाते हैं, याद करते हैं, ब्रह्मा की देह को याद करते हैं, बाबा ने तो मुरली में मना कर दिया, इनका फोटो भी नहीं रखना है। अगर फोटो भी रखेंगे तो भी पतित हो पड़ेंगे, तो फोटो में ज्यादा ताकत है या जो प्रैक्टिकल रूप था उस रूप में ज्यादा ताकत है? प्रैक्टिकल रूप को जो याद करते हैं वो तो और ही देह अभिमानी सांडे बन पड़ते हैं। तो जो ब्रह्मा की गति होती है वही उनकी गति हो जाती। के को आठ फेर नहीं होता है क्या? होता है, अगर वो भी देहदारियों को याद करते हैं। जो पीबी केस होते हैं उनमें सारी दुनिया के बीज नहीं है, तो ब्रह्मा और ब्रह्मा के फॉलोअर्स के बीज होंगे या नहीं होंगे? उनका भी आठ फेल हो सकता है। बाबा आठ फेल होते हुए कि जन्म लेते हैं ना? ब्रह्मा की सोल इसलिए जन्म नहीं लेती कि जीते जी उन्होंने एडवांस ज्ञान सुना ही नहीं, उनके फॉलोअर्स भी जीते जी एडवांस ज्ञान को नहीं मान पाते, इसलिए जन्म नहीं लेते हैं बीज रूप स्टेज में। उनका संगम युग में 21वां जन्म नहीं होता है, उनका 21वां जन्म होता है त्रेता में जाकर 13 जन्म में, तो स्तर गिर जाता है। और बाबा कहते हैं बेटी ज्ञान में नहीं चलने तो शादी करो, लेकिन बेटा को कहते हैं वो ज्ञान में नहीं चलने तो घर से बाहर निकला, ऐसा पार्शियलिटी क्यों बाबा? बेटा देवर आत्मा नहीं तो बिना बनाया बेहद का ड्रामा में जबरदस्ती के वो ज्ञान में कैसा चलता है? जो बेटे का जन्म लिया या पुरुष का जन्म लिया वो ज्यादा भाग्यशाली हैं, या जिन्होंने बेटियों का जन्म लिया माताओं का जन्म लिया वो ज्यादा भाग्यशाली है? ज्यादा सुख कौन भोगेंगे? बेटा भोगेगा। अभी संगम युग में पुरुष तन मिलना ज्यादा भाग्यशाली बात की निशानी है या स्त्री चोला मिलना ज्यादा भाग्य की निशानी है? स्त्री चोला। भगवान से ज्यादा क्लोज कॉन्टेक्ट में कौन आ सकेंगे? है? फिर पुरुष सब दुर्योधन दुशासन है, कन्याओं माताओं के लिए नहीं बोला ऐसे कि सब दुर्योधन दुशासन है, पार्शलिटी की बात नहीं है। तुमकुर का बेहद का अर्थ क्या है? तुमकुर का बेहद का अर्थ क्या है? तुम करो। बाबा कहते हैं आदि सो अंत्य, आदि में प्रजापिता एक छोड़कर फॉलोअर्स के साथ चले गए थे, अंत में भी ऐसे होता है क्या? अगर अंत में ऐसे नहीं हो तो डूबी जा की शूटिंग कैसे होगी? फिर तो प्रत्यक्ष ही बना रहेगा। ये डूबी जा की शूटिंग ही तब होती है जबकि बाप सब कुछ करके सारा फाउंडेशन राजधानी का जमा करके और खुद को गुप्त कर देता है। आज बाबा मुझे वही बताया, तब कन्याओं माताओं का राज्य चलता है, शक्तियों का राज्य चलता है जो दुनिया में कभी नहीं चला। बाप कन्याओं माताओं के हाथ में शासन की बागडोर दे देते हैं। हाँ।
और सर्विसेबल बच्चे को कैसे मालूम होता है? क्या चीज? बाबा को सर्विसेबल बच्चे के बारे में कैसे मालूम होता है? सर्विस बच्चों को प्रत्यक्ष नहीं करती है, इनमें जो जो सर्विसेबल बैठे हैं वो सबकी नजर में नहीं है क्या? जो सर्विसेबल बच्चे होते हैं, सेवाधारी बच्चे होते हैं, वो छुपे रहते हैं क्या? जब आपस में बच्चों की नजर से नहीं छुप सकते तो बाप की नजर से छुप जाएंगे क्या? सेवा का प्रूफ बाबा के पास पहुंचता है। जिन्होंने जिनको जितने ज्यादा को संदेश दिया है, जितनों जितनों को संदेश दिया है, जितनों जितनों को ज्ञान सुनाया है अथवा समझाया है अथवा धारण कराया है, वो बच्चे निश्चय बुद्धि होकर के बाप के घर में पहुंचते हैं, जन्म लेते हैं, तो बाप को पता नहीं चलता है। वो बच्चे खुद ही जाकर वहां बोलते हैं, हमको किसने संदेश दिया, उनका नाम लिखते हैं। संदेश वहा कौन, तो बाप को पता नहीं चलेगा। नए बच्चे के बारे में संकल्प कैसे मालूम होता है? पट्टी करने के बाद नया बच्चे आता है ना, संकल्प कैसे मालूम होता है? अरे निश्चय पत्र लिख करके देते, भूल गए क्या? तुमने नहीं किया, तुम अपने कार्य व्यवहार को भूल गए? अरे तुमने निश्चय पत्र लिख के दिया कि नहीं? किसको दिया? बाबा को। तो फिर बाबा को पता नहीं चलेगा? बाबा आत्मबलहीनता से सुसाइड करते हैं, आत्मा बलहीन से सुसाइड करता है। आत्मा नहीं सुसाइड करता है, जीवात्मा सुसाइड करता है। हाँ। और हार्ट फेल होता है, दोनों में अंतर क्या है? सुसाइड करना अलग बात, जो सुसाइड करते हैं उनका हार्ट फेल हो जाए ये कोई जरूरी नहीं है। हार्ट फेल हो जाना माना हार्ट काम करना बंद कर दे। सुसाइड करने वालों का हार्ट फेल मोस्टली नहीं होता। बाबा अब बाप दादा माने शिवा रामकृष्ण आत्मा का वृक्ष है। हाँ जी। 1969 के पहले बाप दादा माने कौन कौन आत्मा होता है? बेसिक के हिसाब से देखेंगे तो बाप है आत्माओं का बाप, और आत्माएं सब भाई भाई हैं। उन आत्मा भाई भाइयों में जो पार्ट बजाने वाले भाई हैं, उनमें सबसे बड़ा भाई दादा कौन हुआ? वो सबसे बड़ा आत्मा है, सबसे पावरफुल आत्मा है। हाँ, तो वो दादा हुआ। तो बेसिक के हिसाब से बाप हुआ शिव और दादा हुआ प्रजापिता, और एडवांस के हिसाब से हमने साकार में दोनों को जान लिया कि शिव बाप सिर्फ बीज रूप स्टेज में कोई मतलब ही नहीं। बाप के हमने प्रैक्टिकल पार्ट को पहचान लिया। प्रैक्टिकल पार्ट होता ही है साकार के द्वारा, मुकर्रर रथ के द्वारा। तो वो हमारा बाप है, और बाप से सृष्टि रूपी रंगमंच पर जो पहला बच्चा तैयार होता है कृष्ण वाली आत्मा, वो हमारा दादा है। सृष्टि का पहला पत्ता है इसलिए दादा है। बाबा ब्रह्मा अभी भी पढ़ते हैं तो सूक्ष्म संपूर्ण ब्रह्मा कैसे होता? संपूर्ण ब्रह्मा दादा लेखराज नहीं है, सूक्ष्म वतनवासी ब्रह्मा संपूर्ण कहा जाता है प्रजापिता को। जब वो आकारी स्टेज में टिकता है, मनन चिंतन मंथन की स्टेज में रहता है, तो संपूर्ण ब्रह्म है।
जिसको भोग लगाया जाता था पहले भी। पहले ही आखिरी स्टेज में था। हाँ जी, पहले ही मनन चिंतन मंथन की स्टेज में था। ब्रह्मा बाबा रहते भी, ये भी बच्चों को वो बाबा के लिए कहते थे। हाँ जी बाबा, ब्रह्मा बाबा शरीर छोड़ने के पहले भी भोग रख सकता। हाँ जी बाबा, आज अचानक बाबा इधर आया है, लेकिन हम बच्चे एवरेडी नहीं बना है। वो बाबा तुमको दिखाई पड़ता होगा, हमको तो नहीं दिखाई पड़ रहा है, कहाँ आया है। हाँ और बाबा, पाम ट्रीज लीव्स में अगस्त्य महामुनि में है, पाम ट्रीज पाम ट्री का लीव्स में ताड़ेगरी बोलता है। हिंदी में क्या कहते हो? पहले जमाने में वो वेद शास्त्र लिखते थे ना। हाँ लिखते थे भोज पत्र, मनुष्यों के बारे में नाम फैमिली भविष्य सभी लिखे हुए हैं। लेडीज को लेफ्ट थंब इम्प्रेशन, जेंट्स को राइट थंब इम्प्रेशन देने, तो वो टैली करने के बाद हॉरोस्कोप लिख कर पूरा भविष्य कहते हैं। वो कंची में है, तमिलनाडु में कांचीपुरम में वो पत्ते है, पत्ते का हॉरोस्कोप लिखकर पूरा भविष्य नाम फैमिली का नाम सभी बताता है। तो बाबा का ना, बाबा का ज्ञान काहे के लिए ले रहे, उसे में थंब लगवाओ, 84 जन्म का ज्ञान ले लो। सृष्टि के आदिमध्यंत का ज्ञान वो पत्ता ही दे देगा, शिव बाबा को आने की क्या दरकार। वो कैसे लिखे हैं बाबा? है अधूरी नॉलेज है, मनुष्यों के पास है अधूरी नॉलेज, भगवान के पास है संपूर्ण नॉलेज। बाबा कहते हैं बच्चे पिछले दिन में ही माँ बाप के कर्म पर जीत पाते हैं। तो ये बात संगम युग में ब्राह्मणों को और बाप दादा को कैसे लागू हो? यज्ञ के आदि में यज्ञ की बागडोर संभाल करके कौन बैठा रहा? ब्रह्मा बाप। तो किसके ऊपर जीत पाई? जिनके ऊपर जीत पाई उनको फिर माँ बाप बनना पड़ेगा, और राधा कृष्ण जो है वो खेलेंगे उनकी गोद में। ऐसे ही सबके लिए। हाँ जी, ऐसे ही सब ब्राह्मण। हाँ जी, सब ब्राह्मणों के नहीं लिए, सारी दुनिया के लिए। साकार योजना का आपको याद करें तो श्री तुलान बनता है ना। हाँ जी, फिर बुद्ध क्रिस्त इब्राहिम निराकार को याद करते ना, लेकिन साकार में तो नहीं याद करते, ये तो निराकार को डायरेक्ट याद करते हैं। हाँ जी, साकार को तो नहीं, साकार तो उन्हें पता ही नहीं है, उन्हें विश्वास नहीं बैठता है। चरित्रवान कैसा बनता? वो कहाँ बनता है चरित्रवान? सारे को गिराने के निमित्त बनता है, खुद भी गिरता है, सारी दुनिया को भ्रष्ट बनाने के निमित्त बन गए, सारे बौद्ध ही पतित बन गए, सारे इस्लामी पतित बन गए, सारे क्रिश्चियंस पतित बन गए, क्राइस्ट बैगर के रूप में है, खुद भी गिरा हुआ है। नाम तो आया ना उनको है, नाम तो आया ना उनको, चले सुनान को चला। जो सब कुछ करके अपने आप को छुपा देता है वो ज्यादा श्रेष्ठ है, या जो नाम बाला करता है अपने चरित्र को दूसरों को दिखाने की कोशिश करता है वो ज्यादा श्रेष्ठ है? है छुपाने वाला ज्यादा श्रेष्ठ है, और वो बाद में छुपा रस्तम बाद में ही खुलता है। और वो लोग मुन्मुन धर्मों का प्रजापिता में याद करते हैं। हाँ जी,
नहीं नहीं नहीं, उनमें आता ही नहीं तो याद कहाँ से करते हैं। बाबा कहते हैं ना सब धर्मों में अलग अलग प्रजापिता होता है। प्रजापिता होता है लेकिन उन प्रजापिता में भगवान थोड़ा ही आता है। भगवान नहीं आता है, वो याद करते हैं। याद करते हैं तो वो झूठा याद करते हैं ना। गॉड फादर को तो सारी दुनिया याद करती है लेकिन जो प्रजापिता को ही सब कुछ मानते हैं अपने धर्म के प्रजापिता को, वो गलत याद करते हैं या सही याद करते हैं? संगम युग में जो प्रजापिता का पाठ है उसको वो फॉलो करते हैं, सारी दुनिया उसको फॉलो करती है संगम में, आगे या पीछे। और बाबा ऑडियो 470 जो कैसेट है, ऑडियो 470 जो कैसेट है उसको बाबा से पूछ करके कनाडा में प्रिंट कराया, उसको ऑडियो फोन में रख करके किसी को दे सकते हैं? किसको दे? लिटरेचर कोई भी हो, चाहे वो किताब के रूप में हो, पंपलेट के रूप में हो, अखबार के रूप में हो, या कैसेट के रूप में हो, बीसीडी के रूप में हो, डीवीडी के रूप में हो, कोई भी प्रकार का लिटरेचर किसी को देने से पहले उसको थोड़ा कन्विंस करना जरूरी है। अगर कन्विंस होता है तो लिटरेचर देने में फायदा है। ठीक है बाबा, वो कनाडा में जो छपाया है, हाँ जी हाँ जी, पार्टो फोन में रखे, जो जो अपना ही जो भाई लोग आता है ना उनको जो जिसको चाहिए उसको दे सकते हैं। दस वालों को हाँ, वही तो बात बताई ना, बाप एक धर्म एक राज्य की स्थापना करने आया है, एक भाषा की स्थापना करने आया है या अनेक भाषाओं की स्थापना करने आया है? तो बाप का जो भी पैसा है, जो भी धन की संपत्ति है, वो एक भाषा के प्रचार प्रसार में लगावेगा या अनेक भाषाओं की दुहाई देगा, क्या करेगा? है एक भाषा के लिए करेगा, लेकिन जो अनपढ़ है, पढ़ी लिखी नहीं है, हिंदी भाषा बिल्कुल नहीं जानती है, तो उनको देने के लिए प्रयास करना है, उन लोगों को प्रयास करना है जो उस भाषा भाषी है। हिंदी भाषा भाषी प्रदेश में नहीं रहते हैं, उनके ऊपर जिम्मेवारी आ जाती है कि वो अपने मिक मैक्स का भी कल्याण करें, और कल्याण करने के लिए बंदूक चलानी है ज्ञान की, तो अपने कंधे पर चल के चलानी है, रख करके चलानी है, या दूसरे के कंधे पर रखकर चलानी है? हाँ जी, तो उससे फायदा है, डबल काम करना पड़े, अपनी भाषा में भी समझाना पड़े, फिर समझाने के बाद उनको बाप की भाषा भी समझानी है, ताकि वो बाप के बन सके और 84 जन्म ले सके, सूर्यवंशी बच्चे बन जाए। समझाने का ठीक है बाबा, अगर उनको बीच में ही छोड़ दिया, दूसरी भाषा में ज्ञान देकर छोड़ दिया और उन्होंने बाप की भाषा नहीं समझी, तो 84 जन्म लेने वाले कैसे बनेंगे? ठीक है बाबा, यहाँ बेंगलुरु में तो दूसरा सबकॉन्टिनेंट चलता है, जो कर्नाटक में दूसरे डिस्ट्रिक्ट में है पूरा कन्नड़ चलता है। बता दिया ना, कन्नड़ के जो भाई लोग आते हैं वो लेकर जाते हैं। भाई लोग नहीं, मोस्टली माताएं ऐसी होती हैं, भाई लोग तो दिन दुनिया में घूमते रहते हैं, और ऑल इंडिया में हिंदी का प्रचार प्रसार बहुत हो रहा है और दूसरी भाषाओं के मुकाबले, इसलिए हिंदी तो जो घूमने फिरने वाले भाई लोग हैं, जो बाहर की दुनिया में रहते हैं, वो तो हिंदी ज्यादा जानते ही हैं, उनको हिंदी में भी सुनावेंगे तो भी समझ लेते हैं। लेकिन माताओं की संख्या गांवों में बहुत ऐसी है जो हिंदी नहीं जानती है,
तो उनको कम से कम बाप का परिचय तो मिल जाए, ताकि भगवान बाप को याद करें और उनकी अपनी भाषा में चलाई हुई वाणी को सुनने की कोशिश करें, क्योंकि सुनते सुनते भी हिंदी भाषा सीख जाते हैं। यहाँ ये कोई भाई माता आते हैं, वो यहाँ से लेके जाते हैं ना? बात बताई ना, उन्हें समझाने के लिए पहले उनकी भाषा में उनको समझाना, कन्विंस करना जरूरी है। यहाँ जो निमित्त भाई है वो तो करते हैं। निमित्त भाई एक ही रहता है, एक भाई बड़ी मुश्किल से मिलता है, सब अपने धंधे धोरी में लगे हुए हैं, और वो अपनी नौकरी भी करता है, अपने पैरों भी खड़ा हुआ है। आप उसके ऊपर दूसरी दूसरी भाषाओं का बोझ डालेंगे तो वो व्यस्त हो जाएगा, फिर जो सेवा में लगाया गया वो सेवा कैसे करेगा? हम बोझ नहीं लगाएंगे, वो कुछ रहे जिसको तो कन्विंस करके आप भेजेंगे तो उनको दे दिया जाएगा, वो आप भी दे सकते हैं। हाँ दे सकते हैं, यहाँ भी थोड़ा हाँ हम भी दे सकते हैं अलग रख के, यहाँ भी थोड़ा रख सकते हैं क्या पांडव भवन में? रख दीजिए, उनके पास टाइम हो, खुशी खुशी करने के लिए तैयार हो तो रख दीजिए। क्राइस्ट को 200 करोड़ फॉलोअर्स है ना? क्राइस्ट को 200 करोड़ फॉलोअर्स है ना? 200 करोड़ फॉलोअर्स है, इससे भी ज्यादा है। उसने उसको चरित्रवान नहीं बोलेंगे? ज्यादा फॉलोअर्स होते हैं, संख्या ज्यादा हो जाती है भेड़ बकरियों की तो चरित्रवान हो जाते हैं, शेरों की संख्या कम होती है तो दुष्चरित्र होते हैं। पांडवों की संख्या कम थी तो वो दुष्चरित्र थे, कौरवों और यादवों की संख्या ज्यादा थी तो चरित्रवान हो गए। ये तो कोई दलील नहीं हुई। संख्या ज्यादा होना, दुनिया में मनुष्यों की संख्या ज्यादा है या जानवर कीट पशु पक्षी पतंगों की संख्या ज्यादा है? तो जो नीची कोटि होती है उनकी संख्या ज्यादा होती है, जो ऊंची कोटि होती है उनकी संख्या ज्यादा नहीं होती है। श्रेष्ठ कम होते हैं, निष्कृष्ट ज्यादा होते हैं। तो हुजूम से कभी चरित्र को नहीं आंका जाता। राजाएं श्रेष्ठ होते हैं, राजाओं की संख्या ज्यादा होती है दुनिया में या प्रजावर्ग में आने वालों की संख्या ज्यादा होती है? प्रजावर्ग में आने वालों की संख्या ज्यादा होती है। जो ज्यादा प्रजा बनाए वो ज्यादा श्रेष्ठ है या जो ज्यादा राजाएं बनाए वो ज्यादा श्रेष्ठ है? तो क्राइस्ट ने क्या किया? राजा बनाए, प्रजा ज्यादा बना दी। और सांख्य धाम खाली नहीं हुए रहता है, सृष्टि भी खाली नहीं रहता है, जब लास्ट आत्मा ऊपर से नीचे आ जाए जब सृष्टि विनाश हो जाता है, जब लास्ट आत्मा जन्म होता है या नहीं होता, लास्ट आत्मा का जन्म होता है या नहीं होता है? जब लास्ट नीचे उतरेगी तो फर्स्ट ऊपर पहुंच जाएगी। लास्ट का नीचे उतरना और फर्स्ट का ऊपर चढ़ना एक ही सेकंड होगा। लास्ट आत्मा कोई पाप नहीं करता है ना? है लास्ट आत्मा का कोई पाप नहीं करता है? ये क्या बात हुई? वो थोड़ा पाप करेगा, फर्स्ट वाली आत्मा जो पूरे 84 जन्म लेने वाली है वो बड़े से बड़ा पाप आत्मा, और जो लास्ट में उतरेगी वो कम पाप करने वाली, कम पाप भी कम करेगी तो सुख भी कम होगी। वो आत्मा शांति धाम जाता है या स्वर्ग में आता? क्यों नहीं जाएगी? आखिरी आत्मा कलयुग के अंत में आती है या सतयुग में त्रेता में आती है? वो स्वर्ग में आती है, आती भले नहीं है लेकिन फिर भी आधा सेकंड सुख और आधा सेकंड दुख,
बाबा मुरली में 500 जो दुनिया की पॉपुलेशन आबादी है 500 करोड़ 550 करोड़ बताया, ये बस बाद में 750 करोड़ भी बताया। तो ये पहले 36 में शुरू में बताया क्या 500 करोड़ 550 करोड़ मनुष्यों की बात बताई 500 550 करोड़, बाकी जो कीड़े मकोड़े मिसल हैं आए और गए, जिनकी कोई वक़्त नहीं है, ज्यादा मनन चिंतन मंथन करने वाली आत्माएं नहीं है, उनकी संख्या बता दी 200 करोड़। नहीं, वो ठीक है। हाँ, जो 500 करोड़ बताया मैंने शुरू शुरू की मुरलियों में। हाँ जी, हाँ जी, जिस समय 36 उस समय बताया। हाँ, उस समय आबादी भी 500 करोड़ ही था दुनिया में, ऐसा हो सकता है ना? 500 करोड़ नहीं की शुरुआत में आबादी कम थी। अरे बाबा बताया तो भविष्य के लिए बताया ना, कि उसी समय के लिए बताया? उसी समय के लिए बताया क्या? उसी समय के लिए थोड़ी बताया बाबा ने, जो बताया वो भविष्य में आने वाले टाइम के लिए बताया, कि सब आत्माएं जब उतरेंगी मनुष्य आत्माएं तो 500 550 करोड़ मनुष्यों की आबादी होगी। बाबा आपने मेरा मनोबुद्धि को एक सेकंड में अप कर दिया, मुझे मान मर्तबा स्वर्ग नर्क कुछ भी नहीं चाहिए, सिर्फ बाबा ओनली चाहिए। ये तो सतो प्रधान स्टेज होती है तो ऐसे ही बोलते हैं, मुझे कुछ नहीं चाहिए। ये धीरे धीरे संग के रंग में आते हैं तो फिर बात बदल जाती है। संघ के रंग में आने से सतो प्रधान से बदल के क्या हो जाते हैं? तमो प्रधान हो जाते हैं। ये चार अवस्थाओं से हर आत्मा गुजरती है, 5000 वर्ष में भी गुजरती है और शूटिंग पीरियड में भी इन चार अवस्थाओं से हर आत्मा को गुजरना पड़ता है। जानते हुए भी मानते हुए भी माया मूर्ख बना देती है। वो चाहे राम वाली आत्मा हो, चाहे अष्टदेव हो, चाहे लास्ट में आने वाली आत्माएं हो, इसलिए बोलते तो हैं भरी सभा में। लेकिन पक्का पक्का करके बोलना पक्का बाबा। और बाबा जो टीवी में वीकेस का प्रोग्राम आता है ना, तो वीके सिस्टर जो है उनसे जो इंटरव्यू लेने वाला पूछा, जैसा मंदिर में शिवलिंग को दिखाते हैं वो लौकिक वाला कहते हैं वो स्त्री पुरुष का कंबाइंड रूप है, करके वो सन्यासी रूप नहीं है। जो मंदिर में शिवलिंग रखा हुआ है जलाधारी में, वो शंकर और पार्वती का सम्मिलित रूप है, प्रैक्टिकल रूप है, वो सन्यासी नहीं है, वो पक्का गृहस्थी है। ठीक है। हाँ जी, ये बात है, वो जो इंटरव्यू लेने वालों ने वो बीके सिस्टर से पूछा। हाँ, वो बात के लिए वो सिस्टर क्या बता दिया, ये लौकिक वाला शरीर के साथ समझते हैं इसलिए वो स्त्री पुरुष बता दिया, वो शिवलिंग शिव ज्योतिर्बिंदु स्वरूप है, वो ज्योतिर्बिंदु को याद करते वो शिवलिंग रखा है, ऐसा वो आंसर दे दी। नहीं, यादगार प्रैक्टिकल हो जाता है तब बनता है, या जो चीज प्रैक्टिकल में हुई ही नहीं तब बनती है? यादगार कब बनती है? अरे शिवाजी कभी आए होंगे तब तो चौराहे पर शिवाजी की मूर्ति रखी जाती है। महाराणा प्रताप कभी आए होंगे तो उनकी मूर्ति महाराणा प्रताप की चौराहे पर रखी जाती है। ऐसे ही देवताएं भी कभी हुए हैं तो उनकी मूर्ति रखी जाती है। इन देवताओं की, महर्षियों की, नेताओं की और बड़े बड़े राजाओं की मूर्तियां तो कम रखी जाती हैं, लेकिन सबसे जास्ती मूर्तियां तो
शंकर और विष्णु की रखी जाती है, राम और कृष्ण की रखी जाती है। इससे क्या साबित होता है कि प्रैक्टिकल में कभी शरीर के सहित आए हैं या ऐसे ही मूर्ति रखी गई है। और पूजा पवित्र की होती है या पवित्र की होती है? पवित्रता का दुनिया को प्रूफ चाहिए या नहीं चाहिए? और प्रूफ जब प्रैक्टिकल में साकार में होगा तब प्रूफ देगा, या बिंदी रूप में है तो प्रूफ देगा? साकार प्रैक्टिकल में होगा, साकार रूप में होगा, तभी ही प्रूफ देगा, तब उसका गायन होता है अमोघ वीर्य। ठीक है, वो हिसाब से जो लौकिक वाला पूजा वो प्रश्न ठीक हो गया, वो जो बीके सिस्टर आंसर बताया वो गलत हो गया, तो उसे स्वीकार क्यों कर लिया? उनको पता नहीं ना। तो बस ऐसे बुद्धू बनाते रहेंगे गुरु लोग। साकार वाणी में बोला गया कि मोर पवित्र रहकर बच्चा पैदा करता है। अपवित्र इंद्रियों का उपयोग नहीं करता, माना भ्रष्ट इंद्रियों का उपयोग किए बगैर बच्चा पैदा करता है। लेकिन इंटरनेट में फिलहाल कुछ ऐसी बात आई है जिसमें दिखाया है कि मोर काम विकार में जाकर के बच्चा पैदा करता है। जो पूछने वाला है उसको बाबा की वाणी पर विश्वास नहीं है, ये भगवान वाणी बोलता है, ब्रह्मा के वाक्य हैं, ये काटे नहीं जा सकते। मनुष्यों की बुद्धि तो क्षुद्र होती है, मनुष्य आत्माएं जैसी दृष्टि वैसी सारी सृष्टि उन्हें दिखाई देती है। भगवान की दृष्टि तो एवर प्योर है, वो सच्चाई को देखने वाली है। इसलिए आज भी भारत में राष्ट्रीय पक्षी मोर माना जाता है। मनुष्य को मारने का जितना दंड होता है, हत्या करने का जितना दंड होता है, मोर को मारने का भी दंड दिया जाता है उतना ही, क्योंकि राष्ट्रीय पक्षी है। कृष्ण के मुकुट में कौन सा पंख दिखाते हैं? मयूर पंख दिखाते हैं। जितने भी विदेशी हुए हैं, जैसे अलेक्जेंडर सेना लेकर के आया, बड़ी भारी सेना लेकर के आया, कौन सा पंख लगाता था? है मुर्गे का पंख लगाता था। कहां मुर्गा और कहां मोर, भारी अंतर हो जाता है। नहीं बाबा, ये कंप्यूटर के फोटो के साथ आया और इसे क्या? वो कंप्यूटर बनाने वाला कौन है और देखने वाला कौन है? फोटो के साथ आया और इसे क्या? फोटो के साथ आया, उसे फोटो तो तुम तोड़ मोड़ के कुछ भी बना के दिखा दो। बाबा फोटो नहीं, वीडियो है। वीडियो? हाँ वीडियो दिखा दो। एक दिमाग से समझने की बात है, जो और पक्षी होते हैं उनकी पूंछ छोटी होती है लंबी होती है? छोटी पूंछ होती है। उनको काम इंद्रिय का जननांग का कर्म करने के लिए वो छोटी पूंछ आराम से लच जाएगी, संग करने के लिए।
उनका काम विकार साबित होता है। और मोर की पूछ तो कितनी लंबी होती है, वो कैसे झुकेगी, इतनी बात अकल में नहीं आती। फिर वही वीडियो देखने के बाद और डाउट वाली बातें बहुत माया लाएगी आगे चल के। ढेर सारी बातें ऐसी निकलेंगी जो इनसे इंटरनेट से, अखबारों से, टीवी से सारी बातें एकदम माया भी फैल जाएंगी। इतना हंगामा मचाया है कोई भाई बहनों ने बैठकर कि ये जो भिखारी हैं वो हंगामा मचाने वाले होंगे, जो ये साबित करना चाहते हैं नहीं, काम इंद्रिय के बगैर संसार नहीं चल सकता। बस इंद्रियों के बगैर संतति पैदा नहीं हो सकती, सृष्टि नहीं चल सकती। देवताओं की सृष्टि होती नहीं कोई ऐसी जो दिव्य अंगों से पैदाइश करे। उन लोगों की संख्या है ऐसा एडवर्टाइजमेंट करने में, या देवात्माओं की संख्या है, है? जिनकी जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि। खुद भी देखने की कोशिश करेंगे और दूसरों को भी दिखाने की कोशिश करेंगे। जो इस्लाम धर्म की आत्माएं होंगी उन्हें पुत्तपना ही पसंद होगा, वो कोई हालत में ये बात नहीं मानेंगी कि श्रेष्ठ इंद्रियों से भी बच्चों की पैदाइश हो सकती है। ऐसी भी कोई दुनिया थी जिसने जन्म जन्मांतर कभी अनुभव ही नहीं किया, वो मानेगा कैसे? कोई भी असंभव नहीं है, उसको नहीं मालूम है। हाँ। ओम शांति।